आलू बनाएंगे उपवास के लिए। व्रत में जो खाई जाती है, ये हमने 5 आलू बॉईल करके छील लिया है और एक कटोरी शुगर लिया है, थोड़ी सी नारियल हमने किस करके रख लिया है और 3-4 इलायची का हमने पाउडर बना लिया है और किशमिश थोड़ी सी ली है और थोड़ी से बादाम काट करके रख लिए हैं और तेज फ्लेम कर देते हैं और इसमें हम अपनी कढ़ाई रख देते हैं। चम्मच घी डाल दीजिए, देसी घी, ये हमने थोड़ा सा घी डाल लिया 2 चम्मच और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अपनी आलू डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था, उसको मैश कर लिया है। हम ये आलू डाल देंगे इसमें पूरी। अगर आप उपवास में नमक नहीं खाती हैं तो इस तरह से आलू बना के खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। कहते हैं और ये हम अपने आलू को निकाल लेते हैं प्लेट पर दिया है तो गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में ताकि हमारा पैन गर्म हो जाए। हमने जो ये शुगर ली थी ये डाल देंगे इसमें, ये हमने शुगर डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, आधी गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर रहे हैं और इसको मेल्ट होने देंगे। चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये बादाम हमने काट कर रखा था, ये नारियल, ये किशमिश, ये उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे पूरा और थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाएगा हल्का। अब इसमें हम डालेंगे अपनी इलायची, इलायची पाउडर जो बना करके रख लिया था। अब इसमें डालेंगे आलू, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इस प्रकार से आप खाइए बना करके, बहुत ही अच्छी लगती है। ये इसको पूरा सूखा बनाना है, गीला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज कर देते हैं ताकि हमारी चाशनी अच्छे से इसमें वो हो जाए, जल्दी से सूख जाए आलू के साथ में मिल करके। ये देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सूख जाता है तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। हमारा आलू बन करके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारे व्रत के आलू तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए।